ओके तो अब हमारे पास जो मेन्यू है वो ट्रांजेक्शन मेन्यू है. कौन सा? ट्रांजेक्शन मेन्यू. क्लियर? और ये ट्रांजेक्शन आपको अभी अच्छे से समझ लेनी है इनका कॉन्सेप्ट, क्योंकि इन्हीं ट्रांजेक्शन को हम आगे चल के जब हम वेब डिजाइनिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ट्रांजेक्शन यूज होंगी. क्लियर है? तो आप यहां पे आके ट्रांजेक्शन कैसे अप्लाई करते हो. मैं कंट्रोल प्लस न्यू एक ओपन करता हूं, ठीक है, और यहां से आके आप ट्रांजेक्शन कैसे अप्लाई करते हो. अच्छा, मैं पहले कुछ डेटा लिख देता हूं, ठीक है. क्लियर? अच्छा जी, नथिंग, कुछ भी डेटा आप अप्लाई कर दो. ट्रांजेक्शन कैसे अप्लाई करते हैं ताकि कुछ शो हो जाए बस सिंपली, ठीक है. अच्छा, ट्रांजेक्शन आप पहले डिजाइन अप्लाई कर दो कोई ना कोई, ये अप्लाई कर देते हैं, और आप इसी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के ऊपर ट्रांजेक्शन अप्लाई कर सकते हो, यानी कि कुछ इफेक्ट्स. क्लियर? और यहां से आके आप जो भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट अप्लाई करोगे आप कर सकते हो. देखिए, अच्छा जी, और उसके अलावा आप देखें यहां से अप्लाई हो रहा है इफेक्ट्स. शायद वहां पे थोड़ी स्लो है स्क्रीन, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन क्या है, 1 सेकंड ड्यूरेशन है. क्या ड्यूरेशन है? 1 सेकंड. तो मैं यहां से उसकी ड्यूरेशन बढ़ा देता हूं, 3 सेकंड कर लेता हूं, और यहां से आके हम अप्लाई करते हैं कोई ये वाला, ठीक है, और इसकी अप्लाई कर देते हैं 3 सेकंड ड्यूरेशन. ओके, और इसको मैं सेव कर देता हूं कहीं पे ताकि वो इफेक्ट्स अप्लाई हो जाए उसके ऊपर. क्लियर? अब अगर इसको प्रीव्यू करना चाह रहे हो, इसके ऊपर ट्रांजिशन हमने अप्लाई कर दी है, क्लियर, और आप यहां से आके इसको प्रीव्यू कर सकते हो. देखिए इफेक्ट अप्लाई हो रहा है स्लोली. क्लियर? तो आप किसी भी पावर पॉइंट की स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो विथ टाइम ऑफ ड्यूरेशन, या आप कोई भी टाइम अप्लाई कर सकते हो. अभी मैंने 3 सेकंड किए हैं, आप उससे ज्यादा या उससे कम भी किसी स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन का टाइम सेट कर सकते हो. क्लियर? अच्छा, उसके बाद यहां पे 3 किस्म की ट्रांजिशन हैं. अब यहां पे जब आते हो तो एक तो ये है सटल एग्जिटिंग एक्साइटिंग, उसके अलावा डायनामिक कंटेंट. तो अब यहां से आके किसी भी चीज की अगर आप ट्रांजिशन अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहां से आके आप अप्लाई कर सकते हो. देखें अप्लाई हो रही है. क्लियर? और आप अगर कुछ और सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो यहां से आके वो भी अप्लाई कर सकते हो. क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ड्यूरेशन के बाद आपके पास कुछ चीजें हैं जो आपके पास ऑप्शंस के इफेक्ट्स हैं. अब अभी जो आपने, सपोज मैं एक सिंपल सा बता देता हूं, ये कवर है, यहां पे क्या आ रहा है, राइट से आ रही है ना वो स्लाइड. तो अगर आप यहां से आके इफेक्ट ऑप्शन चेंज करना चाह रहे हो, अभी देखो कहां से आ रहा है, फ्रॉम राइट, यानी कि जब भी ट्रांजिशन अप्लाई कर रहे हो तो ट्रांजिशन अप्लाई ऐसे हो रही है कि राइट से वो स्लाइड आ रही है. क्लियर? तो मैं चाहता हूं कि वो लेफ्ट से या टॉप से आ जाए, तो यहां से आके हम चूज कर सकते हैं, यानी कि उसी ट्रांजिशन के अंदर हम खुद की चीजें अप्लाई कर रहे हैं या हम उसके अंदर कुछ अल्टरेशन या चेंजिंग कर रहे हैं. क्लियर? इफेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, ऐसे. और उसके बाद आप यहां से, मैंने बताया कि ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, यानी कि टाइमिंग. और एक और भी चीज है कि अप्लाई टू ऑल, ये इफेक्ट इसी स्लाइड के ऊपर, एक स्लाइड के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो या जितनी भी प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स हैं सबके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो, तो यहां से आके हम अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा. देखें जिस पे भी जा रहा हूं, देखो 23 की ड्यूरेशन है ना, कौन सा इफेक्ट है, कवर वाला. और यहां से आके आप चेक कर सकते हो, देखें जब भी मैं किसी और पे मूव हो रहा हूं तो वही बता रहा है ना इफेक्ट. क्लियर? और अगर आप इसको शो करना चाह रहे हो तो F5 कर दें. देखें अप्लाई हो रहा है स्लोली, 23 सेकंड की टाइमिंग है तो बहुत ही स्लोली होगा, और नेटवर्क स्लो है तो इसी वजह से मैंने यहां से इतनी बड़ी टाइमिंग दी है ताकि आपको शो हो जाए कि इफेक्ट अप्लाई हो रहा है. क्लियर है? तो ये है आपके पास इफेक्ट या ट्रांजिशंस जो हम अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग पावर पॉइंट. क्लियर? अच्छा, उसके बाद है आपके पास कि आप ऑन माउस क्लिक, यानी कि जब स्लाइड चेंज होती है, ऑन माउस क्लिक चेंज हो, नेक्स्ट स्लाइड जो आ रही है ना, मैं यहां तो राइट एरो कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूं या मैं क्लिक कर रहा हूं, समझ में आ रहा है?
तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, ऑटोमेटिक कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज हो जाए, कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज हो जाए, तो हम ये टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि मैं चाहता हूं सिर्फ 5 सेकंड तक एक स्लाइड रुके, उसके बाद ऑटोमेटिक दूसरी आ जाए, मुझे क्लिक करने की जरूरत ना पड़े, तो वो भी टाइमिंग हम सेट कर सकते हैं। पहले मैं ऐसे ऐसा करता हूं, यहां पे आके इसकी ड्यूरेशन कर देते हैं 5 सेकंड या 4 काफी है, और अप्लाई टू ऑल कर देते हैं इसे, ओके। और एक दूसरी चीज यहां पे देखो, क्या चेक किया हुआ है ऑन माउस क्लिक, श्योर है ऑन माउस क्लिक चेक किया हुआ ना, तो आप इसको अनचेक करके इस आफ्टर को क्लिक कर देंगे, क्लियर। अब इसके अंदर हम टाइमिंग सेट करेंगे कि ये जो स्लाइड है आफ्टर जस्ट आप कह दो कि 5 सेकंड, ये 5 सेकंड तक चलेगी ये स्लाइड, इसके ऊपर ट्रांजिशन जो चलेगी कितने सेकंड तक, 5 सेकंड, उसके बाद ये ऑटोमेटिक मूव हो जाएगी नेक्स्ट स्लाइड पे। समझ में आ रहा है, ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, तो इसको क्लिक करने के बाद आप ओके कर दो, ठीक है। और देखें मैं इसको रन करता हूं, अब ये 5 सेकंड तक तो यही होगी स्लाइड, ऑटोमेटिक नेक्स्ट आ जाएगी, देखें चेंज हो रही है, मैंने ना क्लिक किया ना ही कोई एरो प्रेस किया कीबोर्ड से, समझ में आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, क्लियर। अच्छा ये था ट्रांजिशंस का टाइप, ये कंप्लीट हो गया।